राम राम जी सबको और आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वीर सुपुत्र राजा जाट नाहर सिंह के बारे में। राजा जाट नाहर सिंह सन 1823 में हरियाणा के फरीदाबाद जिला के बल्लभगढ़ रियासत के जाट घराने में पैदा हुए। जाट नाहर सिंह का विवाह 16 साल की आयु में कपूरथला घराने की राजकुमारी किशन कौर से हुआ था। मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में ही इनका राज्यारोहण हुआ। जाट नाहर सिंह इस देश के वो राजा थे जिन्होंने आज़ादी से 90-100 वर्ष पूर्व ही दिल्ली को अंग्रेज़ों से 120 दिनों तक आज़ाद रखा था, लेकिन जब दोबारा दिल्ली पर अधिकार के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने दबाव बढ़ाया तो बहादुर शाह जफर ने नाहर सिंह को बुलाया। नाहर सिंह दक्षिण दिल्ली पर लोहे की दीवार बन गए। आगरा से आती हुई ब्रिटिश की सैनिक टुकड़ियों को उन्होंने इस कदर मौत के घाट उतारा कि दिल्ली की नालों में अब पानी कम और खून ज़्यादा नज़र आ रहा था। लेकिन जब अकबर गेट की तरफ से अंग्रेज़ों ने हमला किया तो उस वक्त नाहर सिंह ने शाह जफर से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए और बल्लभगढ़ में शरण ले लीजिए, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस दौरान शाह जफर के एक साथी जिसका नाम इल्तुतमिश था, उन्होंने धोखा किया और जब शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे तो उसने उन्हें पकड़वा दिया और उस वक्त बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उनके दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया। और कहा जाता है कि उस समय के अंग्रेजी शासन के राजा हडसन, वह इतना क्रूर था कि उसने चुल्लू भर के शाह जफर के बेटों के खून पिया। और इन्हीं कुछ बातों के जैसे कि बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, उनके बेटों को कत्ल किया गया, इन्हीं बातों के विद्रोह में जाट नाहर सिंह ने फिर से एक बार अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेजी सेना के इतने टुकड़े किए कि अब पूरी दिल्ली खून से सन चुकी थी। अब यहाँ नदी नालों में भी खून दिखाई पड़ रहा था और ऐसे में अंग्रेज़ों को यह बात समझ आ चुकी थी कि जाट नाहर सिंह को काबू में करना अब उनके बस की बात नहीं है और उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है और अपना दूत भेजकर नाहर सिंह से संधि करने को कहा। और जाट नाहर सिंह अपने कुछ विश्वासी सैनिकों के साथ बड़े ही साफ मन से संधि के लिए राजा हडसन के पास पहुँचे और वहाँ पर उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। और राजा नाहर सिंह से हडसन ने कहा कि तुम मुझे अपने क्रांतिकारी साथियों के बारे में बता दो और मैं तुम्हारे साथ संधि कर तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन भारत और हरियाणा के उस दिलेर शेर ने बड़ी ही निडरता से यह कहा कि तू मेरा और मेरे देश का दुश्मन है और दुश्मन से दोस्ती करके इस देश से गद्दारी मैं कभी नहीं करूंगा। तू आज एक नाहर सिंह मारेगा, कल लाखों नाहर सिंह पैदा होंगे। और इन्हीं बातों के कारण क्रूर हडसन ने 9 जनवरी 1858 को जाट नाहर सिंह को सभी लोगों के सामने चांदनी चौक पर फांसी लगा दी। कहा जाता है कि उस वक्त सभी लोग रो रहे थे और उसके पश्चात बल्लभगढ़ की रियासत पे भी अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया। भारत और हरियाणा के इस वीर पुत्र को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय जाट नाहर सिंह।